हाय दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, पहले से अच्छे होंगे। दोस्तों देखा आपने तस्वीर में एक लड़की पड़ी हुई और उसकी टीबिया पूरी तरह टूट चुकी है, आपको दिख रहा होगा। देखें आप इसमें तस्वीर में भी देखें, बिल्कुल आप लोगों को पता चल सकता है भाई इसकी हड्डी टूट चुकी है। ये किस लिए टूटा भाई? इसकी अपनी गलती थी। इसकी क्या गलती थी भाई? बीच में भाग रही थी, समंदर में भाग रही थी। आपको पता है वहाँ पर ज़मीन कैसा होता है? वहाँ पर मतलब रेती होता है, रेती टाइप, और वो भी गीला है। उसी दौरान वो जब भाग रही थी तो उसकी पाँव फिसलने की वजह से पाँव उसके फ्रैक्चर हो गई। और तो जाहिर बात है पाँव फ्रैक्चर हो गई तो उसे सर्जरी करना पड़ेगा। हमारे जैसा थोड़ी है भाई कि इधर फलाना के पास जाएंगे, पट्टी वट्टी बांध देंगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं भाई, ये गोरे लोग हैं, ये हर चीज़ अभी आपको पता है साइंस की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है लोग। तो देखिए आप इसके एक्सरे देखिए, यह इसका एक्सरे है, फ्रैक्चर के एक्सरे है। आप देख रहे हैं पूरी तरह मतलब टीबिया टूट चुकी है, वाजे दिख रहा है यहाँ पे, सीधा साफ भी दिख रहा है। और ये आप इसका एक्सरे देखें, जब इसको प्लेट लगा दिया गया है उसी दिन, मतलब इसको सीधा हॉस्पिटल लेके उसको प्लेट लगा दी गई है। तो अभी आप इसका कुछ तस्वीरें देखें जो उसके मतलब रिकवरी के टाइम से निकाले हैं, उसके बाद फिर आगे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखे आपने इसकी कुछ तस्वीरें, इसके पाँव में स्वेलिंग बहुत आ रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है एंकल के पास इसके फ्रैक्चर हो चुके हैं। आपको पता है अक्सर जब हमारा टीबिया फेबुला फ्रैक्चर होते हैं तो हमारे एंकल के पास ही स्वेलिंग रहता है, तो इसके भी यही सिस्टम है, इसकी स्वेलिंग काफ़ी देर तक रही है। तो भाई इससे हमें ये सीखना चाहिए कि भाई जो हमारा फ्रैक्चर हो चुके हैं भाई, उनको जो प्लेट गार्ड लग चुका है, तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा भाई जब भी आप चलें तो प्लीज़ थोड़ा ख्याल करें, क्योंकि हमारे फर्श गीले होते हैं। तो जब भी आप कहीं बाहर जाएं दोस्तों के साथ, ये कोशिश करें यार फिसलने से बच जाए, स्लिप होने से बचे। क्योंकि मेरा भी एक दफ़ा ऐसे हुआ था, यकीन करें उस दिन के बाद मैंने फिर रनिंग करना बंद कर दिया मैं, क्योंकि इससे क्या हो गया भाई, मेरा स्क्रू में जाए ऊपर वाला स्क्रू, उसमें दर्द होने लग गया। अभी थोड़ा बहुत भागने की कोशिश करो या तेज़ चलने की कोशिश करो तो सीधा स्क्रू में दर्द होता है। तो मेरे भाई जब भी आप लोग चलें थोड़ा आराम से चला करें और देख के चला करें, पत्थर वत्थर पाँव से लगने से तो ये प्लेट वगैरह टूट जाते हैं, बैंड हो जाते हैं। इससे क्या होगा भाई,
आपका फिर से सर्जरी होगा, फिर से बेड रेस्ट, फिर से वही बोरिंग लाइफ, तो ये अच्छा है या फिर आपको एहतियात से चलना अच्छा है? भाई आप ठीक ठाक चलने से अच्छा है, थोड़ा बहुत देख के ध्यान से चला करें मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ।